बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के पास बलदेव श्री दाऊजी महाराज के मंदिर में सुबह से ही नव वर्ष को लेकर भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ी है, जिसमें भक्त दर्शन करने के लिए दूर दूर से श्री दाऊजी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। शास्त्र में ऐसा बताया कि हमारे बच के राजा ठाकुर दाऊजी महाराज को माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। मंदिर में श्री राम गोस्वामी ने दी मंदिर के बारे में जानकारी। बलदेव से विकास विरजवासी की खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम गोस्वामी है। मंदिर ठाकुर सेवा है, ठाकुर श्री दाऊ जी महाराज। आज नई साल है, आज क्या कहना है? आज बड़ा हर्ष का विषय है। आज अंग्रेजों की नई साल है, नूतन वर्ष 2024। आज का दिन ब्रज के राजा के यहाँ आज चकाचक भक्तों की भीड़ लग रही है। आज के दिन बहुत दूर दूर से जो भक्त आ रहे हैं, नव वर्ष को मनाने पहला दिन है। ठाकुर जी अपने उनके चरणों में आ रहे हैं। ब्रज के राजा हैं दाऊ राजा, बड़े भाई हैं कृष्ण भगवान के, बड़े भाई ब्रज के राजा हैं। ये कृष्ण भगवान द्वारका चले गए थे, उन्होंने ब्रज को संभाला था। तो जब ही से ब्रज के राजा हैं ना, और जो राजा के यहाँ आता है उसके सब दर्शन हो जाते हैं। राजा के यहाँ पहले आना, और साऊ जा ब्रज के राजा, और भांग पीवे तो दाऊ जी में आ जा। सुबह कितने बजे दर्शन वगैरह? ठाकुर जी का सुबह 7 बजे से मंगला दर्शन होता है जी। उसके बाद 8:30 बजे स्नान दर्शन, 9 बजे ठाकुर जी का बाल भोग, 9:30 बजे ठाकुर जी, 10 बजे आरती होती है भगवान की, 12 बजे ठाकुर जी का राजभोग आता है। राजभोग में खीर पूरी बासुंदी सब्जी लड्डू मोहन ये सब बनता है रोजी का। और 3 से 4 जो ब्रज में एक ऐसा मंदिर है ये, जो 3 से 4 स्पेशल भांग भोग के लिए खुलता है, ठंडाई भोग के लिए। ब्रज में और कोई मंदिर 3 से 4 नहीं खुलता है। और शाम को 6 से 9 खुलते हैं, तो ठाकुर जी शहर का भोग लेते हैं, उसमें दूध पूरी सब्जी पापड़ पेड़ा ये लगता है।